हाय फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक नेशनल इनकम इन इंडिया करने जा रहे हैं। नेशनल इनकम को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि यह किसी गिवन टाइम पीरियड में किसी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज के फ्लो की मनी वैल्यू होती है। यह एक ऐसी इनकम है जो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किसी कंट्री के रेजिडेंट्स या वहाँ के जो रहने वाले हैं ना, उनके द्वारा इन फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिसीव की जाती है। इन अदर वर्ड्स, किसी कंट्री को गिवन टाइम पीरियड में उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से होने वाली इनकम को नेशनल इनकम कहते हैं। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है, प्रोफेसर पीगू के अकॉर्डिंग, नेशनल इनकम या डिविडेंड किसी कम्युनिटी की ऑब्जेक्टिव इनकम का वो पार्ट है जिसमें अब्रॉड से होने वाली इनकम इंक्लूड होती है, जिसे मनी में मेजर किया जा सकता है। सेकंड डेफिनेशन है, वो हम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की करेंगे। उसके अकॉर्डिंग नेशनल इनकम किसी कंट्री के रेजिडेंट्स के द्वारा किसी अकाउंटिंग ईयर में इन फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट अर्न की गई फैक्टर इनकम का टोटल या सम होती है। मेथड्स, नेशनल इनकम मेजर करने के मेनली थ्री मेथड्स हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन मेथड। इस मेथड में किसी गिवन पीरियड में किसी कंट्री में जितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो उन्हें उनकी मार्केट वैल्यू पे टोटल कर लिया जाता है। कौन सी वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे। इस प्रोसेस में सभी गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। यह जो सिर्फ कंट्री की गुड्स और सर्विसेज का टोटल होगा ना, उसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। उसमें अब्रॉड से प्रोड्यूस होने वाली हमारी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ऐड करके नेशनल इनकम आ जाएगी। इस मेथड में नेशनल इनकम कंप्यूट करते समय हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना होगा, यानी कि रॉ मटेरियल वैल्यू और सेमी फिनिश्ड गुड्स जो अभी बन रही हैं उनकी वैल्यू को एक्सक्लूड किया जाएगा। सेकंड मेथड है इनकम मेथड। इस मेथड में वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट की फॉर्म में अराइज होने वाली इनकम्स ऑफ प्रोडक्शन का टोटल किया जाता है। नॉर्मली यह इनकम्स इन फैक्टर्स को उनकी दिए जाने वाले सर्विसेज के लिए अराइज होती हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल की सर्विस से होने वाली इनकम में ऐड किया जाता है, बट इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट्स को एक्सक्लूड किया जाता है। वी कैन से दैट नेशनल इनकम इक्वल टू वेजेस प्लस रेंट्स प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स। थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। किसी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाली ज़्यादातर गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर खरीद लेते हैं, बट अनसोल्ड गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर्स अपने पास स्टॉक में रख लेते हैं। इसलिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा गुड्स और सर्विसेज पे किया गया खर्च यानी कि नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों का टोटल कर लिया जाता है। किन दोनों का? ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का। इस तरह गिवन पीरियड में हमें सिटीजन इंस्टीट्यूशंस का टोटल एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करने पर नेशनल इनकम आ जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी कंट्री की नेशनल इनकम से उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता चल जाता है। नेशनल इनकम का इंक्रीज होना किसी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का सिम्टम होता है, और अगर नेशनल इनकम डिक्रीज हो रही हो तो वो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के डिक्रीज होने का साइन है। सेकंड पॉइंट, बेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। कोई भी कंट्री नेशनल इनकम डाटा के बिना कोई प्लान फिक्स नहीं कर सकती। इंडिया में प्लानिंग कमीशन कंट्री के 5 ईयर प्लान्स प्रिपेयर करने के लिए नेशनल इनकम डाटा को यूज़ करती है। इसके बिना प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कंट्री की आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन,
एक्सपेंडिचर, इनकम, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन एक्सेट्रा से रिलेटेड डाटा को ऐसा दिया जाता है। थर्ड पॉइंट, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। डिफरेंट कंट्रीज़ की नेशनल इनकम को कंपेयर करने से हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनके द्वारा अचीव्ड इकोनॉमिक वेलफेयर के लेवल्स को कंपेयर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, हेल्प्स इन फॉर्म्यूलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए नेशनल इनकम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। यह फिगर्स गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटी को एस्टिमेट करने में हेल्प करती हैं कि किसी कंट्री में इंडस्ट्री आउटपुट, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स किस तरह चेंज हो रही हैं। इन एस्टिमेट्स के बेसिस पे ही गवर्नमेंट फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है। फिफ्थ पॉइंट, इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेशनल इनकम से यह भी पता चलता है कि किसी कंट्री के डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन में नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अगर किसी की लेबर या वेजेस का शेयर नेशनल इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो इससे क्या पता चलता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम हो रही है। सिक्स्थ पॉइंट, प्रोवाइड क्लियर पिक्चर ऑफ इकोनॉमी। नेशनल इनकम डाटा से हमें इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स की रिलेटिव इम्पोर्टेंस को समझने का मौका मिलता है। वो कैसे? नेशनल इनकम से किसी इकोनॉमी में होने वाले कंजप्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वॉल्यूम का पता चलता है। और अगर लेवल ऑफ कंजम्पशन ज़्यादा है तो कंट्री के सोसाइटी के इकोनॉमिक वेलफेयर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और वहीं पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग प्लान्स। फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ इन नेशनल इनकम। इंडिया की नेशनल इनकम 1951-2014 से 5% एनुअल एवरेज रेट पे इंक्रीज हुई है। दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे चाइना और मलेशिया की तरह इंडिया की ग्रोथ रेट इतनी इम्प्रेसिव नहीं है। प्लानिंग पीरियड के दौरान हमारी नेशनल इनकम की इंक्रीज़ उतना यूनिफॉर्म नहीं है। टेबल में देखो, इस तरह इंडिया की ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, यानी कि ये कम और ज़्यादा होती रहती है। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। यह 1951-2014 से 2.8% अराउंड रेट पे इंक्रीज़ हो रही है। यह सिर्फ कम ही नहीं है बल्कि इरेगुलर भी है। इन कंपैरिजन टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ यह ग्रोथ रेट बहुत कम है। इसलिए इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए पर कैपिटा इनकम को पुश करने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट, इनइक्वालिटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिफरेंट सेक्टर्स और क्लासेस में इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी पाई जाती है, जिससे लोगों के ओवरऑल वेलफेयर का काम नहीं हो पाता। फोर्थ पॉइंट, चेंजेस इन कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स। अगर इंडियन इकोनॉमी को एनालाइज किया जाए तो शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो फॉल कर रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और जो शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, और जो टर्शरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर कौन सा होता है, सर्विस सेक्टर, यह दोनों राइजिंग ट्रेंड में है। यह जो परसेंट में शेयर गिवन है ना, यह याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद कर सकते हो तो कर लीजिए, वरना एग्ज़ाम में गलत लिखने से आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये नहीं करवाया। फिफ्थ पॉइंट, रीजनल इनइक्वालिटीज़। इंडिया में पर कैपिटा इनकम में रीजनल इनइक्वालिटी पाई जाती है। इंडिया की 5 स्टेट्स गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, यहाँ पे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। इनको याद करने की ट्रिक है, गोवा में चांदनी तिल्लू पे दिल हार आई। गोवा से गोवा, चांदनी से चंडीगढ़, तिल्लू से तेलंगाना, दिल से दिल्ली, हार से हरियाणा।
और हमारे यहाँ पे क्या है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, और 5 स्टेट्स बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। अब इन 5 स्टेट्स को याद करने की ट्रिक क्या है, बहू को एमपी में यूपी की तरह ओढ़नी नहीं लेना आसान लगा, बहू से बन गया बिहार, एमपी से मध्य प्रदेश, यूपी से उत्तर प्रदेश, ओढ़नी से ओडिशा और आसान से बन गया असम। इस तरह आप इन 5 स्टेट्स को याद कर सकते हो। पहली 5 स्टेट्स में तो पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है, और जो बाद में हमने 5 स्टेट्स की उनमें पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। 6th पॉइंट, ट्रेंड इन द शेयर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। नेशनल इनकम में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कंट्रीब्यूशन में बहुत चेंज हुआ है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर डिक्रीज होने लगी है और प्राइवेट सेक्टर का जीडीपी में शेयर इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 7th पॉइंट, शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नेशनल इनकम में डेवलपमेंट के प्रोसेस की वजह से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है, बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का शेयर डिक्रीज हो रहा है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रीसेंट स्लो डाउन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में पिछले 5 ईयर से डाउनफॉल आ रहा है, और अप्रैल जून 2020 में इसे 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। नॉर्मली एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं, पेरिशेबल होते हैं, और ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिनमें इंडियन इकोनॉमी के स्लो डाउन का इम्पैक्ट साफ दिखाई देता है। अब इसके रीजंस क्या हैं? 1st पॉइंट, डीमोनेटाइजेशन। शुरुआत हम डीमोनेटाइजेशन से करते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट कंजम्पशन कम हुई, क्योंकि उसकी वजह से कंज्यूमर्स कैश को होर्ड या जमा करना और उसे कंज्यूमर गुड्स पे लगाने की जगह बैंक में लगाने लगे। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये जो नोटबंदी हुई थी ना, उसे हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। इसके साथ ही रूरल एरियाज़ में डिमांड कोलैप्स हो गई, यानी कि अचानक से कम हो गई, क्योंकि पूरी रूरल इकोनॉमी कैश पे रन करती है, और डीमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस SMEs को भी उनकी इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखनी पड़ी, क्योंकि उन्हें भी कैश बेसिस पे ऑपरेट करना पड़ता है। 2nd पॉइंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बहुत से पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स पे बहुत ज़्यादा कर्ज होने की वजह से वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे शिकंजा कस रहे हैं, जिससे लेंडिंग बहुत कम कर दी जाती है। इससे लोगों के पास पैसा ना होने से डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और कंजम्पशन के साथ साथ कोई नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की जाती। 3rd पॉइंट, ग्लोबल स्लोडाउन। सिर्फ यह फैक्टर्स ही नहीं, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह भी है कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, और इंडिया एक नेट कमोडिटी एक्सपोर्टर है, बट इस स्लो डाउन की वजह से एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम में स्लंप यानी कि भारी गिरावट आ रही है। 5th पॉइंट, रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। स्लो डाउन मीन्स जो प्रोफेशनल और फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं ना, उनके लिए लैंड जॉब्स फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, जिसमें उनकी सैलरीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज हो रही हों। इसके साथ ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ की वजह से स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के US जाने वाले नंबर में डिक्लाइन हो रहा है। इन सभी फैक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट का मतलब यही है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले समय में डोल्ड्रम्स में यानी कि डाउनफॉल में रहेगी। 6th पॉइंट, नो डिमांड नो इन्वेस्टमेंट। किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है, और इन्वेस्टमेंट की वजह से ही डिमांड जनरेट होती है, क्योंकि जो फॉर्म्स इन्वेस्ट करती हैं वो गुड्स और सर्विसेज तो परचेज करेंगी ही, जिससे इकोनॉमी के प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। इन्वेस्टमेंट के मेनली 2 सोर्स हैं, प्राइवेट और पब्लिक।
बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, जैसे टैक्स सोप्स इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव ना मिलना और सर्टेन प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज करने के लिए पब्लिक फंड्स की कमी होने से ही इन्वेस्टमेंट में कमी आने लगी है, क्योंकि डिमांड नहीं जनरेट हो रही। 7th पॉइंट, रियल एस्टेट स्लो डाउन। इंडिया की जीडीपी को हर्ट करने वाली दूसरी थिंग्स के अलावा रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी वॉस्ट इम्पैक्ट पड़ा है। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं, बट ये बिजनेस स्लो डाउन हो रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। 8th पॉइंट, लेसर जॉब्स। नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वेज लेवल्स के ड्रॉप या फॉल होने पर तेज़ी से स्लो डाउन हो रहा है और कंज्यूमर डिमांड कम हो रही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर 2017-18, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने किया था, उससे पता चलता है कि बहुत ही कम जॉब्स जनरेट हो रही हैं। सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? जो किसी सीजन की वजह से होती है, जैसे कि सर्दियों में जो गर्म कपड़े होते हैं उनका बिजनेस चलता है ना, इसलिए वो उस समय की सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, और गर्मियों में वो बिजनेस नहीं चलता तो उस समय अनएम्प्लॉयमेंट होती है। हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जॉब सिनारियों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी। COVID-19 पेंडेमिक का इंडिया में लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी बैड इम्पैक्ट पड़ा है। 1st पॉइंट, लॉस टू द GDP। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी कंट्री का लार्जेस्ट बैंक है, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री को 2020-21 में 38 लाख करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है, जो कि GDP का 17% है। इस लॉस की वजह से हमारी कंट्री के हर सिटीज़न की पर कैपिटा इनकम अबाउट 27,000 रुपीज़ कम हो गई है। हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम की नेशनल एवरेज 1.21 लाख थी, बट कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से यह कम होकर 20% हो गई। 2nd पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट। FCCI के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक मंथ में 19% तक इंक्रीज हो गया है, क्योंकि बहुत से लोग लॉकडाउन की वजह से अपनी एम्प्लॉयमेंट को लॉस कर चुके हैं। 3rd पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी। COVID-19 की वजह से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड्स बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अराउंड 23 करोड़ इंडियंस सिर्फ 1 ईयर में पॉवर्टी में पुश हो चुके हैं। यह कहा गया है कि रूरल पॉवर्टी रेट 15% तक और अर्बन पॉवर्टी रेट 20% पॉइंट्स तक इंक्रीज हो गया है। ये किसमें बताया गया है? जो ये हमारी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसमें बताया गया है। 4th पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट। पेंडेमिक के इम्पैक्ट की वजह से टैक्स रिवेन्यू कम होने लगी है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे भी बढ़ गए हैं। यह जो टैक्स नेम्स गिवन है ना, इनसे होने वाले टैक्स रिवेन्यू का फ्लो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम हो गया है। अब गवर्नमेंट को कम टैक्स मिलने लगा है। इम्पैक्ट ऑन फिस्कल डेफिसिट। इकोनॉमी के स्लो डाउन होने से अगर टैक्स रिवेन्यू के कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होने लगी है और गवर्नमेंट का सब्सिडी पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने लगा है, जिससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये आता है, जो गवर्नमेंट की इनकम होती है ना, उसकी स्पेंडिंग या खर्च से कम होने लगती है, यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे उसकी इनकम से ज़्यादा होने लगते हैं। 6th पॉइंट, स्टेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट प्लान्स में और सैलरीज पे करने के लिए अल्टरनेटिव्स फाइंड करने में होने वाले एक्सपेंसेस की वजह से बहुत लॉस हो रहा है और उनकी टैक्स रिवेन्यूज में भी डाउनफॉल आ रहा है। 7th पॉइंट, माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबर फोर्स। लॉकडाउन की वजह से डेली वेज वर्कर्स, फॉर एग्जांपल अर्बन पुअर माइग्रेंट लेबरर्स ने अपनी जॉब
खो दी हैं। इसी के कारण ही लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस ने बसेस और ट्रेन्स की मूवमेंट पे रोक लगा। इसकी वजह से बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स को उनके विलेज चलकर ही वापस आना पड़ा। 8th पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स कौन होते हैं? जो नए नए बिजनेस शुरू किए जाते हैं। बहुत से न्यू स्टार्टअप्स की फंडिंग लॉकडाउन की वजह से डिक्रीज हो गई है, जिससे भी इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना।